बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। राज की बात। एक दिन सहाबा अकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जमात से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा ईमान आफरोज सवाल किया, तुम्हारे नज़दीक किस मखलूक का ईमान अजीब तरीन है? सहाबा अकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, फ़रिश्तों का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो कैसे ईमान न लाएं जबकि वो अल्लाह की हुजूरी में होते हैं और हम वक्त उसकी तस्बीह व तहलील में मशगूल रहते हैं। सहाबा अकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, क्या रसूल अल्लाह, अम्बिया अकराम का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो कैसे ईमान नहीं लाएंगे जबकि उन पर वही उतरती है। सहाबा अकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मासूमियत भरे अंदाज से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, फिर हमारा ईमान अजीब तर होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम अब भी ईमान ना लाओगे जबकि तुम्हारे सामने हर वक्त मेरा सरापा रहता है? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे नज़दीक सारी कायनात में सबसे अजीब यानी काबिले रक्ष ईमान उन लोगों का है जो तुम्हारे बात होंगे, वो सिर्फ औराक पर लिखी हुई किताब देखेंगे और उस पर ईमान ले आएंगे। वासिफ अली वासिफ कहते हैं कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुना, तारीफ सुनी और मोहब्बत पैदा हो गई। सुनकर मोहब्बत होना ये बड़े राज की बात है, यानी कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र सुना और मोहब्बत पैदा हो गई, ये बड़ी नसीब की बात है। और जिनको नहीं मिलता उनको देखने के बाद भी नहीं मिला, अबू जहल के अबू जहल ही रहे, और जिनको देखे बगैर मिला वो अवेज़ करनी हो गए।